अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 29। आज के इस लेसन में हमने किस किस चीज़ के ऊपर डिस्कस करना है। आज के इस लेसन में हम देखेंगे टेबल क्या होता है और टेबल को आप किस तरह इंसर्ट करते हो, फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट टेबल, हाउ टू इंसर्ट टेबल एंड डिफरेंट बिटवीन कॉलम एंड रो, कॉलम और रो क्या होते हैं, टेबल क्या होता है, टेबल पे काम किस तरह करते हैं। तो स्टूडेंट, टेबल हमारे पास जो होता है, टेबल में जो मैं आपको यहां से बताता हूँ, एक न्यू फाइल में लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो टेबल आपके पास होता है, टेबल में आप इंसर्ट में जाएं तो आपके पास यहाँ पे एक टेबल है। टेबल में नंबर ऑफ जो रोज होती हैं, ये देखिए ये रोज है, नंबर 1, 2, 3, 4, 5 रोज हैं। ये नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ रहे हैं, देखें देख सकते हैं। टेबल में ये जो एरिया होता है, ये एक रो है और ये एक कॉलम है। इन रो और कॉलम से मिलके एक सेल बनता है, ये एक सेल है देख सकते हैं आप, और ये एक पूरा टेबल है आपके पास नजर आ रहा होगा आपको। तो ये होता है टेबल, और यही टेबल आप ऑटोकैड में भी ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ऑटोकैड में जाएं। सबसे पहले मैं F7 प्रेस करता हूँ, गेज लाइन को खत्म करने के लिए F7 प्रेस कर दूं। उस पर टेबल, तो टेबल आपके पास यहां पे, होम में जाए तो होम में भी आपको नजर आ रहा होगा, होम में हमारे पास ये टेबल है देख सकते हैं। और यही टेबल आप ड्रॉ में जाए, ड्रॉ में भी आपको टेबल नजर आ रहा होगा, टेबल देख सकते हैं। और इसके अलावा आप इनवर्ट्स पे क्लिक करें और यहां पे भी आपको टेबल लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं टेबल यहाँ पे भी आ गया है। टेबल का लिंक देना चाहते हैं, लिंक डेटा, डेटे का लिंक देना चाह रहे हैं, और इसके अलावा टेबल में भी काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन है। तो ये जी आपके पास टेबल। अभी टेबल जो होता है, इस किस तरह आपने इंसर्ट किस तरह करना है और इसकी शॉर्ट कमांड क्या, इसकी शॉर्ट कमांड है, आप सिंपल टेबल लिखेंगे तो टेबल आपके सामने इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे टेबल, देखिए टेबल हमारे पास आ गया देख सकते हैं, एनजेड टेबल के नाम से हमारे पास आ गया। कह रहा है स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल, मतलब एम्प्टी टेबल में स्टार्ट हो हमारे पास, और नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज आपने बढ़ाने। तो यहाँ पे देखें कॉलम है, कॉलम की विड्थ है, रोज है, रोज हाइट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और मैं यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम बढ़ाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ कॉलम 5 है, रो यहाँ पे 1 दी हुई है, तो रो भी मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ, 4 रोज दे देता हूँ मैं इसको, और मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक देखें तो मेरे पास एक टेबल बन गया। टेबल को ड्रॉ करके आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। टेबल का साइज बढ़ाने, आप साइज बढ़ा सकते हैं। तो मैंने एक यूनिट सेट नहीं की हुई, इस वजह से मेरे पास ये मसला कर रहा है। तो आप UN एंटर करें, सॉरी यूनियन की कमांड मैंने अप्लाई कर दी, UN एंटर, आर्किटेक्चर या फिर इंजीनियरिंग, 0 फुट 0 इंच, ओके। अब टेबल में इंसर्ट करता हूँ, टेबल नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज बढ़ा दी मैंने, रोज की हाइट बढ़ाना चाहिए आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं आप, ओके करें। देखिए यहाँ पे मेरे पास टेबल इंसर्ट हो गया देख सकते हैं आप, और यहाँ पे आपने जो कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखेंगे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखें डबल क्लिक किया मैंने, यहाँ पे लिख सकता हूँ। ऑटोकैड देख सकते हैं, क्लिक करें और लिखते जाएं आप। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसे ही सब्जेक्ट लिखता हूँ, जो भी चीज़ आपको चाहिए। टैब का बटन प्रेस करेंगे, टैब के बटन से नेक्स्ट में चला जाएगा। देख सकते हैं आप टैब प्रेस करते जाएं, जब लास्ट सेल में आएंगे तो फिर टैब प्रेस करेंगे तो एक और सेल दिखें, एक और रो हमारे पास इंसर्ट हो गया, 7 रो है, फिर टैब प्रेस करें 8 रो हमारे पास इंसर्ट हो जाएंगी। तो आप यहां से रो को इंसर्ट कर सकते हैं, रो को डिलीट करना हो तो रो को डिलीट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, यहां पे देखें, अब देखें लिखा इंसर्ट रो अबाउट
इसके ऊपर अबाउट रो आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, आप ऊपर रो इसके इंसर्ट कर सकते हैं, बिलो करना चाह रहे हैं बिलो, डिलीट रो करते हैं डिलीट हो जाएगी। मैं टू रो नंबर टू डिलीट करना चाह रहा हूँ, देखें डिलीट रो करता हूँ डिलीट हो गया रो टू, तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। साइज़ बढ़ाना है तो आप यहाँ पे इसके बीच में रख के आप यहाँ साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से मैं देखता हूँ साइज़ बढ़ेगा या नहीं। देखिए मूव भी हो रहा है और साइज़ भी इसका बड़ा हो गया, दूसरे का साइज़ छोटा हो गया। उसके अलावा टेक्स्ट टूल बार हमने की थी, टेक्स्ट टूल बार में हमने काम भी किया था। अब यहाँ पे जो आप देखें, यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करें, डायरेक्ट क्लिक करने के बाद देखें इंसर्ट अबाउ पे क्लिक करें तो इसके ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी, आप देख सकते हैं। इंसर्ट बिलो पे क्लिक करें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली, अब मैं यहाँ पे जो मैंने अली लिखा है, अब इस अली का राइटिंग स्टाइल चेंज करना है, इसको मैच करना है, बोल्ड करना है, टैली करना है, तो ये सारे काम हम कर चुके हैं जो कि हमने टेक्स्ट टूल बार पे किया है, तो आप वहाँ से ही काम कर सकते हैं, टेक्स्ट में चेंजिंग ला सकते हैं। टेबल है, अब यहाँ पे मैंने अली वाला टेबल सेलेक्ट किया, मैं क्या था इनजेड बिलो या इनजेड अबाव करता हूँ, अबाव हमारे पास एक ही रो है देख सकते हैं, ऑटो कैड के बाद अबाव पे क्लिक करें देखें हमारे पास दो आ जाएंगी, तो यहाँ पे आपने रो भी इनजेड कर सकते हैं। और ये मैंने सेलेक्ट किया इनजेड अबाव पे क्लिक करता हूँ, देखें ऊपर रो आ गई और यहाँ पे देखें बस ये खत्म हो गया। एनजेड के बाद है एनजेड बिलो करते हैं, बिलो डिलीट करते हैं रो को, डिलीट कर सकते हैं अली वाली रो डिलीट होगी, फोर ये देखें डिलीट हो रही है रो, डिलीट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आप कॉलम है, कॉलम को आपने इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ उस्मान, टैब प्रेस करता हूँ अली लिख दिया, अब इन दोनों के बीच में मैं कोड रो इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप देखें लेफ्ट साइड पे करूंगा लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, राइट पे करता हूँ राइट पे इंसर्ट, लेफ्ट पे क्लिक करें कॉलम, एक कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट लेफ्ट पे करें लेफ्ट साइड पे आ गया, इंसर्ट राइट पे करें राइट में आ जाएगा सेंटर में, देख सकते हैं। कॉलम को डिलीट करना है डिलीट कर दें आप कॉलम को। मर्ज सेल, मर्ज सेल में जिस तरह ऊपर हमारे पास मर्ज किए हुए सेल, इसी तरह आप मर्ज करना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ से लेकर ये दोनों सेल, ये और ये दोनों सेल एक सेल बन जाए, दोनों को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप मर्ज सेल पे क्लिक करें, मर्ज आल करें, देखें देखें ये दोनों आपस क्या हो गए मर्ज हो गए, देख सकते हैं कि हमारे पास मर्ज हो गए दोनों सेल, एक ही सेल बनी है हमारे पास। अच्छा इसी तरह मैं आपको एक और काम बताता हूँ, हमारे पास मर्ज नहीं हुए तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया सारा मर्ज करना चाह रहा हूँ, तो मर्ज पे क्लिक करता हूँ, मर्ज ऑल पे क्लिक करता हूँ, यस करता हूँ, तो देखें सारा का सारा मर्ज हो गया, ये मर्ज है। मैच सेल, अगर आपने कोई इसमें एडिटिंग की हुई है, कोई इसका कलर स्टाइल चेंज किया हुआ तो आप मैच कर सकते हैं, देखिए मैच हो गया। मैं फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सेल जो है मैच करते हैं, आप मैच कर सकते हैं, कंट्रोल जेड करता हूँ, इन सारे के सारे सेल को मैं वो करना चाह रहा हूँ, स्केप प्रेस करें मैच सेल का खत्म करके सिलेक्ट करें और यहाँ पे इसको भी मर्ज कर लें, ओके मर्ज हो गया। टॉप पे लाते हैं, लेफ्ट पे लाते हैं, सेंटर पे लाते हैं, मैं राइट पे क्लिक करता हूँ, देखें टेक्स्ट राइट पे चला गया है, टेक्स्ट को सेंटर पे लाता हूँ सेंटर में आ जाएगा, बॉटम से भी सेंटर में लाना चाह रहा हूँ मिडिल में, देखें बॉटम लेफ्ट है बॉटम सेंटर है, सेंटर में बॉटम में भी सेंटर में आ गया, तो यहाँ से आप इसके स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सेल को लॉक करना चाहे तो सेल को लॉक कर सकते हैं, अब इस सेल में जो कुछ भी आप लिखें देना तो देखें लिख सकते हैं ना कुछ, और हालांकि इस सेल पे आप रखें और लिखें तो आप टेक्स्ट लिखेंगे, जबकि इस सेल में आप लिख नहीं सकते क्योंकि ये लॉक हो गया। डेटा फॉर्मेट में डेटा अगर आपने लिखा हुआ उसे परसेंटेज में देते हैं, एंगल में देते हैं, आप दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डेटा लिखा 56 में लिखा, इस 56 को परसेंटेज पे करना चाह रहा हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और डेटे को मैं यहाँ पे एंगल है करेंसी पे क्लिक करता हूँ, देखें साथ में डॉलर का साइन आ गया, परसेंटेज देते हैं परसेंटेज आ जाएगा, देखें साथ में परसेंटेज भी आ गया, तो आप यहाँ से डेटे को स्टाइल भी दे सकते हैं। तो ये कुछ थे जी आपके पास इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी आपकी टेबल की, तो ये टेबल और टेबल इंसर्ट किस तरह करते हैं, सेलर रोस में इंसर्ट किस तरह करते हैं, और सारी चीज़ें हमने देखी। डिलीट करना है टेबल को तो आप सेलेक्ट करें और डिलीट का बटन प्रेस करें, पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट करें, डिलीट का बटन प्रेस करें तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ये आपका जो था सिलेक्शन किस तरह करते हैं टेबल की, टेबल को डिलीट किस तरह करना है, इंसर्ट किस तरह करना है, तो आज हमने टेबल के ऊपर डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी कि टेबल हम किस तरह इंसर्ट करते हैं, किस तरह टेबल पे काम करते हैं।
अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।